एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बयानबाजी और अंदाज को लेकर जब जेडीयू ने आंखें तरेरी तो 24 घंटे के अंदर ही उसका असर दिखने लगा। रविवार को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार पुरुष है, मेरा उनके प्रति पूरा भरोसा है। ये बात उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही। बता दें कि शनिवार को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने साफ कहा था कि चिराग को जो कहना है वो उचित मंच पर अपनी बात कहें, नीतीश सरकार के कामकाज पर ऐसी सार्वजनिक टिप्पणी ना करें जिससे विपक्षी दलों को मौका मिले। दरअसल एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में विधि व्यवस्था की स्थिति पर नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे। बिहार में अपराध बढ़ने पर चिराग ने चिंता भी जताई थी। कोरोना वायरस ने इस बार बिहार की होली फीकी कर दी है। बिहार के कई दिग्गज नेताओं ने होली मनाने से मना कर दिया है। पीएम मोदी ने पहले ही होली मनाने से इनकार किया था और अब बिहार के कई नेताओं ने कहा कि वो होली नहीं मनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना को लेकर होली नहीं मनाने वाले हैं, हालांकि उन्होंने होली की बधाई दी है। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सूबे की सियासत गर्माने लगी है। कांग्रेस ने राज्यसभा की एक सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी है, लेकिन आरजेडी के समर्थन के बिना कांग्रेस उम्मीदवार का राज्यसभा पहुंचना संभव नहीं है। अब इसको लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पत्र लिखकर आरजेडी को याद दिलाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी ने कांग्रेस के एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने का वादा किया था। वहीं आरजेडी ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में कांग्रेस को सीट नहीं दी जाएगी। बिहार की गया में भी कोरोना वायरस का अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि एक छात्र अभी हाल ही में चीन से पढ़ाई कर वापस लौटा था। संदिग्ध छात्र को गया के मगध हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसके लिए अलग से गया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है, सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। गौरतलब है कि बुधवार को ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा था कि कोरोना वायरस से राज्यवासी को भयभीत होने की जरूरत नहीं। इस मामले में राज्य सरकार ना सिर्फ गंभीर है बल्कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और सक्षम भी है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की हर संदिग्ध पर कड़ी नजर है। स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र तरीके से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और भारत सरकार के संपर्क में है। नियोजित शिक्षकों के हड़ताल के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दावा किया है कि समय पर ही इंटर का रिजल्ट आएगा। शिक्षकों के हड़ताल के बीच बोर्ड अध्यक्ष का ये दावा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि रिजल्ट में देरी हो सकती है, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने ये क्लियर कर दिया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ससमय रिजल्ट जारी करेगी। आनंद किशोर ने कहा है कि समिति द्वारा इंटरमीडिएट एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 का परीक्षा फल समय पर ही जारी किया जाएगा। साल 2019 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का परीक्षा फल मार्च अप्रैल माह में जारी किया गया था। इसी तरह समिति द्वारा इस साल भी इंटरमीडिएट एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का परीक्षा फल मार्च अप्रैल माह में ही जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।